हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को? मेरे तरह से गुड मॉर्निंग और नवरात्रि का हार्दिक एडवांस का शुभकामना। आज मेरे पास रियलमी 7 आया जो वाटर डैमेज और डेड हालत में है, क्योंकि कस्टमर बोला है कि अभी तो फिलहाल चालू रहे क्योंकि बारिश में भीग गया था, ग्लास भी टूटी हुई है, क्योंकि सर मैं चालू करके दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि कस्टमर बोला क्योंकि दिल्ली में जो है बहुत दिन से बारिश हो रही है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। फिलहाल मैं अभी चेक कर लेता हूँ, इसलिए चालू नहीं है। आगे देखते हैं, वाइट मैं चेक करा देता हूँ, क्योंकि कस्टमर बोला कि बारिश भीग गए थे, ज़्यादा पानी बारिश हो गई इसलिए ज़्यादा भीग गए थे। फिलहाल दिल्ली में भी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, थोड़ा मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ, इसे बैटरी चेक कर लेता हूँ कनेक्टर पे कि वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। डाटा केवल चार्जिंग का मैं लगा देता हूँ, इसके बाद मैं देख आपको चेक करा देता हूँ कि वोल्टेज आ रही कि नहीं। ये देख लीजिए, मैं बैटरी कनेक्टर पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है। अभी तो मैं चेक करके बता रहा है, मैं थोड़ा बैटरी भी चेक कर लेता हूँ कि चार्ज है कि नहीं। इसकी बात मैंने बोले कि चार्ज ही नहीं होगी। ये देखिए 3 पॉइंट पूरी बैटरी आपको एक आपका आधा तो चार्ज ही है 50%। फिलहाल आप देखते रहें पूरी वीडियो। अगर आप ये देखो, मैं थोड़ा पत्ते पर भी चेक कर लेता हूँ तो बोलते जा रहे हैं। देखिए 5 वोल्ट पूरा आ रहे हैं, आप भी समझ ही गए होंगे 5 वोल्ट पूरी आ रही है। क्योंकि मैं पत्ता बारिश में तो कहाँ से लाऊँगा मैं इसको। एक बार एक देख लीजिए, अभी थोड़ा ये देख लीजिए रेड कलर का आ रही है। देखिए बैटरी निकाला हूँ, लिंक कर रहा है, फिर मैं आपको चेक कराऊँगा। क्योंकि इसमें एक ट्रिक ऐसा है कि आप बिना उसके आप फ़ोन जल्दी चालू होगा ही नहीं। पहले चार्जिंग ना आप थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ इसके कनेक्टर पे भी पत्ते की वोल्टेज आ रही कि नहीं। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ मीटर में पूरी। अगर आप ये देख लीजिए 5 वोल्ट आ रही, पत्ते पे भी इतनी वोल्टेज आ रही थी, आप ये देख लें क्योंकि साफ साफ दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये देख लीजिए अगर पत्ता है तो भाई ठीक है, पत्ता नहीं है तो मैं एक जो ट्रिक बताऊँगा उससे कि पत्ते का भी हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। फिलहाल मैं पत्ता निकाल देता हूँ, उसे थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ इसके कनेक्टर, पत्ते के कनेक्टर पे। आप ये ज़रूर चेक कर लें प्लस और माइनस, क्योंकि एक ग्राउंड रहेगा एक पे वैल्यू आएगी, ये आप ज़रूर चेक कर लें मीटर से। नहीं तो बाद में ये होगी कि आपने ये बताया नहीं किधर के, क्योंकि आप भी देखते होंगे वीडियो तो इसको कि एक ग्राउंड होगी और एक पे मान आएगी। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिलहाल मैं रंग जो सोल्डिंग वायर ले लेता हूँ और फिर मैं आपको चेक करा देता हूँ। फिलहाल थोड़ा मैं सोल्ड करता हूँ क्योंकि जो जम्पर वायर है थोड़ा जल्दी पकड़ ले, इसके लिए देख लीजिए। मैं आपको बता दूँ, अगर वीडियो आपको भी थोड़ी सी अच्छी लगे एक लाइक। मैं आपको थोड़ा इसको मैं बढ़िया से कर देता हूँ कि रंग पकड़ ले, क्योंकि इस पर भी थोड़ा अच्छे से, क्योंकि आपके जो जम्पर वायर है जल्दी पकड़ेगी नहीं, इसलिए उसका पॉलिश भी जो होती है वो जम्पर वायर आप जानते ही, उसके एक हल्की सी पॉलिश रहती है उसे निकाल दे। फिर मैं लगा के आपको चेक करा रहा हूँ, क्योंकि बैटरी भी चार्ज है 50%, आधा चार्ज है तब पर भी नहीं चालू रही है। तो मैं एक ट्रिक आप ये देख ली, ये जो है ना रियलमी 7 में ख़ास कर, क्योंकि इसमें जो है आपकी जो मैं बता रहा हूँ आपको मेरा जो वो है एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस पर मैं बहुत कोशिश किया चालू करने का, चालू नहीं हुआ। मैंने जैसे ही जब वोल्टेज पूरी आने लगे बैटरी कनेक्टर पे तो चालू हो गई, आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि इसका जो है चले चार्ज सो नहीं करेगा तब तक ये चालू नहीं होगा। बल्ट अगर बैटरी कनेक्टर पर अगर वोल्टेज आ गए तो ये चालू होगा। ये मत सोचिए कि बैटरी मैं निकाला हो
क्योंकि मैं बैटरी लगा कर भी मैं चेक किया हूँ, चालू नहीं हो रही है। फिलहाल मैं जम्फर जोड़ रहा हूँ, जब तक मैं जम्फर लगा रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलती है। फिलहाल क्योंकि आज दो तीन दिन चार दिन बाद तो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। फिलहाल आप देखते रहें पूरी वीडियो, मैं देख लीजिए मैं पत्ते लगा दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे गिर गया इसके लिए पत्ता, क्योंकि ये भी एक बात सुन लीजिए, जो भी पत्ता लगाए क्योंकि ध्यान से लगाए, क्योंकि उल्टा ना लगाए, जो मेन बोर्ड का है मेन बोर्ड में लगाए, जो यूएसबी का है यूएसबी में लगाए, क्योंकि ऐसा कभी काल होता ना कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो बोर्ड डेड हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे पास जो हुआ है आपको मैं वो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है। ये देख लीजिए, अभी दो मिनट रुक जाइए, ये देख लीजिए चार्ज हो गई, रेड पहले रेड जल्दी थी अब चार्ज हो गई, क्योंकि कस्टमर बोला है कि वाटर डैमेज है। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ, 71% चार्ज है। आपने मैं बोला कि आधा चार्ज है, ये अभी मीटर से मैं चेक किया था, देख लीजिए अभी मैं चालू करके देख रहा हूँ चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी, ये देख लीजिए चालू हो गई। क्योंकि मैं बीच में भी बताया था कि आपके जो ट्रिक है, जो जब तक बैटरी कनेक्टर पे आपकी वोल्टेज नहीं आएगी तब तक ये चालू नहीं होगी, रियलमी 7 खासकर, क्योंकि मैंने अभी दो तीन दिन पहले एक केस देखा था, फिर यही दिक्कत आई है। क्योंकि मैं कस्टमर बोला है कि वाटर डैमेज है पानी के, मैं झूठ बोलूँगा थोड़ा चालू हो जाने दीजिए तब मैं चेक करता हूँ कि वाटर डैमेज है कि नहीं है, डिस्प्ले कितना है, क्योंकि डिस्प्ले में तो खासकर दिख ही जाएगा कि कितना पानी गया हुआ है। फिलहाल देखते हैं चालू हो जाने दीजिए, तब तक चालू रहे तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लीजिए चालू हो गई है, लेकिन आपको तो अनुभव देख लीजिए थोड़ा तो दिख रहा है, लेकिन ऐसे तो पता नहीं चला, मैं थोड़ा इसे इमरजेंसी में चेक कर, कस्टमर पासवर्ड नहीं दिया इसके लिए मैं इसको इमरजेंसी में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में जो वाइट डिस्प्ले दिखेगी उसमें पूरी प्रॉपर दिख जाएगी कि वाटर डैमेज है कि नहीं है, आपको भी पता चल जाए। क्योंकि मैंने अभी देख लीजिए, मैं थोड़ा इसे चेक कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, अब मैं इसे इमरजेंसी पे, ये देख लीजिए पूरी वाटर, कस्टमर ने सही बात वाटर डैमेज है, पूरी डिस्प्ले में देख लीजिए पानी पानी, तो फिर डिस्प्ले के रिफ्लेक्टर में चली गई पूरा पानी, क्योंकि चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो कस्टमर वर्क सिर्फ चालू कर तो इसका डाटा निकालना है और कुछ नहीं। ये देख लीजिए मैंने, ये आप देख ही रहे हैं डिस्प्ले में कितनी पानी है, इसके लिए डाटा निकालने के सिर्फ चालू, देख लीजिए पूरी पानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। आप